हेलो गाइस, वेलकम टू जैमा टैरो। जैमा टैरो में आपका स्वागत है। जैमा टैरो आपका अपना टैरो। गाइस, आज जैमा टैरो की जनरल रीडिंग का टॉपिक है कि आप अपने पर्सन को ज़्यादा मिस करते हो, याद करते हो, या आपके पर्सन आपको ज़्यादा मिस करते हैं, ज़्यादा याद करते हैं। ये रीडिंग ही शी सेम जेंडर सभी लोगों के लिए है। कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। आप जब जी चाहे देख सकती हो। टाइम की कोई पाबंदी नहीं, जितनी रेजोनेट हो रख लेना, बाकी जाने देना। लेकिन ये बात पक्की है, रीडिंग में आपको बहुत सारी क्लैरिटी मिलेगी और बाद में मिलेगी एक आपके लिए एडवाइस जो होगी आपके रिश्ते के लिए कारगर सिद्ध। तो आज हम देखते हैं कि आप मिस करते हो जब वो आपको, क्योंकि हमेशा जब दो पार्टनर होते हैं, चाहे वो मैरिड हो चाहे अनमैरिड, चाहे लिविंग में हो, तो उनमें यही बात होती है कि मैं ज़्यादा प्यार करता हूँ, जब मैं ज़्यादा प्यार करती हूँ, ज़्यादा मिस करती हूँ, ज़्यादा याद करती हूँ, आपको मेरा ध्यान नहीं। तो आइए, कार्ड्स है हमारे डिवाइन टैरो आपकी इस बात को क्लैरिटी देंगे। तो गाइस, ये जो कार्ड है, ये भी राइडर डक है, ये भी राइडर वे डक है। तो एक पाइल है आपका और एक पाइल है आपके पर्सन का। तो देखते हैं कि आज कौन कौन मिस ज़्यादा करता है। चाहे गाइस आपका रिश्ता प्यार मोहब्बत लव लिविंग में चल रहा हो, मैरिड हो, बेशक आपका थोड़ा सा दूर हो आपके पर्सन, तो रिश्ता कैसा भी हो लेकिन याद तो आती है। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट कार्ड कौन सा आया। 10 ऑफ वॉन्ड्स, ये आपका पाई लगा। इस 4 ऑफ पेंटिकल, जी हाँ, द एम्प्रेस, एस ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, जी हाँ, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। गाइस, बॉटम में है द मैजिशियन। ये आपके पर्सन के कार्ड्स हैं। एस ऑफ कप्स, वाओ गाइस, यहाँ पे भी आया था और यहाँ पे भी है। बॉटम यहाँ रख देते हैं ताकि कार्ड आपस में वो ना हो। टू ऑफ सोर्ड्स, गाइस, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, और क्या है, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, गाइस। पहले आपके कार्ड्स की तरफ चलते हैं, फिर उनकी तरफ चलते हैं। गाइस, अगर आपकी बात करें हम, तो आप अपने पर्सन को मिस बहुत करते हो, ये बात बाद में होगी। आप अपने पर्सन को प्यार बहुत करते हो। आपका कुछ जो रहन सहन का तरीका है, या अच्छा बैठना उठना है, या आपकी जॉब है, जो भी है, उन चीज़ों से आपके पर्सन जो है काफ़ी खुश रहते हैं।
लेकिन आपका दिल जो है ना अपने एक रिश्ते के लिए उनको मनाने को करता है कि एक ऐसा रिश्ता हो जिसके जो है दोबारा ना छूटने वाला। आप अपने पर्सन को जब भी मिस करते हो आपको बहुत ज़्यादा दिमागी तौर पे प्रेशर होता है, आप बहुत याद करते हो उनको, आप चाहते हो कि ये इंसान जो है आपकी लाइफ से ना जाए। यहाँ जो परिस्थितियाँ बनी हुई हैं गाइस, यहाँ फाइनेंस को लेके काफ़ी चीज़ें नज़र आ रही है, क्योंकि फोर ऑफ पेंटिकल्स का आ रहा है और किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये आ रहा है कि उलझने जो है फाइनेंस की वजह से है। थर्ड पार्टी जो है काफ़ी जो है आपके और आपके रिश्ते को परेशान कर रही है। क्वीन ऑफ वांड्स बता रहा है कि कोई ऐसा अकड़ू इंसान है जो आपके रिश्ते में आपको आगे बढ़ना है नहीं दे रहा, आपके और आपके पर्सन में। लेकिन आप अपने पर्सन को बहुत प्यार करते हो, आप चाहते हो कि ये पर्सन आपकी लाइफ में आ जाए। ये 10 ऑफ वॉन्ड्स बता रहा है कि काफ़ी आपका दिल जो है ना उनके बगैर लगता नहीं, काफ़ी पैशनेट हो और नाइट में आप इनको बहुत ज़्यादा इनके लिए ओवर थिंकिंग भी करते हो। काफ़ी समय से स्ट्रेस भी है आपको इस चीज़ का कि ये रिश्ता आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, लेकिन जब भी इस पर्सन के बारे में ज़्यादा सोचते हो, ज़्यादा याद करते हो, तो आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन पता नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो गाइस आप अपने पर्सन को लेके रिश्ते में तो काफ़ी सीरियस हो, प्यार भी करते हो, अगर मिस की बात करो ना तो आप सिर्फ इस टाइम अपने रिश्ते को लेके सीरियस हो, इसलिए इस पर्सन को इतना मिस करते हो। ये देखिए क्योंकि इनकी जो फैमिली है ना परेशान करने वाली है। द मैजिशियन का कार्ड ये बताता है कि आप चाहते हो कि आपकी दिल की आरजू, आपका प्यार आपके पास इसी तरह खिला हुआ, हंसता हुआ, आपका इसके साथ फ्यूचर हो, आपका इस इंसान के साथ फ्यूचर हो। जब भी आप इनको याद करते हो तो आपको अपने रिश्ते की परेशानियाँ और आने वाली परेशानियाँ और जो चल रही है या जो पास्ट में निकल गई हैं वो ज़्यादा आती है। एस ऑफ कप्स का कार्ड ये बताता है कि इस इंसान को आप दिल से तहे दिल से चाहते हो। ये अभी ये भले ही कैसा भी हो लेकिन आपने इसके साथ अपने सारे सपने जो है बुने हुए हैं, आप नहीं चाहते कि ये आपकी लाइफ से जाए, आप इसके लिए इसके साथ अपना ऐसा फ्यूचर देखते हो। तो ये पर्सन काफ़ी समय से जो है चाहकर भी आपकी तरफ नहीं आ रहे। तो ये देखिए ये पर्सन जो है ये भी ऐसे ही है। ये आपके लिए नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बता रहा है, काफ़ी पैशनेट है, बहुत प्यार करते हैं आपको। सिक्स ऑफ कप्स का कार्ड फुल प्यार का दिखाते हैं, भरे हुए छः छः कप यानी कि बहुत प्यार करते हैं। यहाँ भी एस ऑफ कप है, वहाँ भी एस ऑफ कप्स है, लेकिन प्यार आपको बहुत करते हैं, मिस भी बहुत करते हैं, लेकिन ये भी दुविधा में उलझे हुए हैं। टू ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बताता है कि ये भी जो है दुविधा में उलझे हुए हैं। और यहाँ जो मिला हुआ है हमें सिक्स ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, ये इतने परेशान रहते हैं, इतने दुखी रहते हैं, इतना मिस करते हैं कि इनको आपके और अपने रिश्ते उलझे हुए का कोई सिरा नहीं नज़र आ रहा। क्योंकि जहाँ आपको क्वीन ऑफ वॉन्ड्स मिली है वहाँ इनको किंग ऑफ सोर्ड्स है, यानी कि इनकी तरफ भी जो परेशानियाँ हैं इनके अपनी फैमिली की ही है। ये इंसान अपने रिश्ते के लिए ज़्यादा सीरियस है, इसीलिए प्यार भी करता है, मिस भी करता है। अगर ज़्यादा की बात करूँ तो गाइस, ज़्यादा के कार्ड की बात करूं तो ये आपके पर्सन के मुझे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ हमें इनके बॉटम में व्हील ऑफ फॉर्चून की बात कार्ड आया है, जो ये बताता है कि ये इंसान एक वक्त का इंतज़ार कर रहा है, अपने उस खुशनुमा पलों का इंतज़ार कर रहा है और सोच रहा है कि वक्त कभी ना कभी तो आएगा। तो गाइस सिक्स ऑफ कप्स एस ऑफ कप्स ये बताता है कि ये पर्सन आपको बहुत मिस करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, लेकिन कुछ दुविधा
चीज़ें हैं, कुछ फैमिली की बाउंडेशन है जिसकी वजह से ये उलझे भी हुए हैं और थोड़े दबे तो हुए हैं, थोड़े फंसे भी हुए हैं। ये चाहते हैं कि अगर एक बार ही आप इनके साथ आ गए तो ये कभी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। ये हो सकता है काफ़ी समय से आपको मिले भी ना हो, लेकिन ये आपके लिए पैशनेट भी बहुत है। लेकिन यहाँ आप भी अपने रिश्ते के लिए बहुत सीरियस हो, वेट है काफ़ी समय से इस पर्सन के लिए, आप इनके साथ अपना फ्यूचर देख रहे हो। तो यहाँ परेशानी क्या है, यहाँ परेशानी ये है कि रिश्ता उलझा हुआ है। यहाँ जो इस पर्सन की फैमिली है, जा जो भी है इनके फैमिली में लेडी महिला, वो रिश्ते में दरार बनती हुई नज़र आ रही है। हो सकता है आपके पर्सन ने आपको इस चीज़ के बारे में ना बताया हो, लेकिन वो इस बात को अच्छी तरह जानते हैं। ये आपको बहुत मिस करते हैं, ये चाहते हैं वक्त आने पर मैं सारी चीज़ें यानी कि सारे पत्ते खोलूं। एक साथ पत्ते खोलने का इनको मन नहीं है, तो इसलिए वेट कर रहे हैं वक्त का। लेकिन आप अपने पर्सन को बहुत मिस करते हो। देखिए जो टेन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ये बताता है कि आप दुखी भी रहते हो, दर्द से भी बटे हुए हो, फिर भी अपने पर्सन को बहुत मिस करते हो। यहाँ एम्प्रेस का कार्ड ऐसा है कि इनकी दूरियाँ या इनकी जो चीज़ें जो है रुकी हुई आपको परेशान कर चुकी है। आपकी देख अगर एनर्जी की बात करो तो आपकी जो एनर्जी है ये है एक ऐसी सफल इंसान की, हर तरफ से अच्छा इंसान, हर तरफ से जंग जीतने वाला इंसान। तो हम देखते हैं ये पर्सन जो है आपको इतना प्यार करते हैं, इतना मिस करते हैं, आप भी इनको इतना प्यार करते हो, इतना मिस करते हो, लेकिन रिश्तों की वजह से सब चीज़ दबी पड़ी है, उलझी पड़ी है। तो हम देखेंगे बॉटम तो ये है कि आपके लिए क्या एडवाइस है हम इस कार्ड से निकाल लेंगे, क्योंकि वहाँ तो वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं और आप चाहते हो चीज़ें जल्दी हो जाए। दीजिए गाइज, यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड निकला है जो ये बताता है कि आपको उनके साथ ही अगर ज़िंदगी पास करनी है, आपको अपने रिश्ते में आगे लेके जाना है, तो आपको भी वेट करना होगा अच्छे वक्त का, गुड फ्यूचर का। और एस ऑफ कप्स आप जानते हैं, ये भी बताता है कि डिवाइन आपके साथ है, लेकिन फ्यूचर में आपकी जो है चीज़ें आगे बढ़ेगी। आप प्यार करते हो, मिस करते हो, अच्छी बात है, लेकिन जो काम जिस टाइम पर होना है उसी पे होना है। और आपके लिए एडवाइस क्या है, जस्टिस। अगर आप में से कुछ व्यूअर ऐसे हैं जो अभी तक अपने रिश्ते में सोचते हैं इनको न्याय नहीं मिला, जब आपके पर्सन आपसे साथ उखड़े उखड़े रहते हैं, या किसी तरह की थर्ड पार्टी ने उनके ऊपर कब्जा कर रखा है, या कोई ब्लैक मैजिक कर रखा है, तो आपको अपने रिश्ते में न्याय मिलेगा। आपने पॉजिटिव होके एक आपने अपने अंदर जो फीलिंग है ऐसी नहीं लानी, फिर दोबारा से ऐसी यानी कि अथॉरिटी वाली फीलिंग लानी है, एक ऐसी कि पता चले कि ये वही इंसान है जो पहले था। टूटे हुए का सहारा कोई नहीं है, सिर्फ अपने आप खड़ा होना पड़ेगा आपको अपने न्याय के लिए। तो चलिए देखते हैं उनकी तरफ से लव मैसेजेस क्या है आपको। दो कार्ड निकाल लूंगी, देखते हैं। यू मेक मी ए बेटर पर्सन, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। देखो कितने प्यारे उन्होंने आपको लव मैसेजेस भेजे हैं, तो आप एक प्यारी सी स्माइल कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजना। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करना। अगर मेरे चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना और बेल आइकन को तो आपने ज़रूर प्रेस करना है ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पहुँचे आपके फ़ोन पर। अभी तक के लिए इतना ही, मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू और अच्छे वाले कार्ड के साथ जय माता दी।